हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। हमारे कई व्यूवर्स ने कमेंट करके लिखा है कि हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, कैसे मिलेगा। तो चलिए, आज का ये वीडियो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर है, और आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपके मन में जो भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर के सवाल हैं वो इस वीडियो के माध्यम से उनके जवाब मिल पाएँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो ये कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आप किसी भी विश्वविद्यालय से कोई प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और किसी दूसरे विश्वविद्यालय में किसी दूसरे प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं, तो वहाँ पर मांगा जाता है कि आपने अपनी जो लास्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट डिग्री जहाँ से ली है वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आइए। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलता है जो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं और किसी दूसरे प्रोग्राम में दाखिले के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय में अप्लाई करते हैं। यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपने इग्नू के जिस प्रोग्राम में दाखिला ले रखा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आप इग्नू की जो मेन वेबसाइट है, मैं मेन वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे माइग्रेशन लिखिएगा और जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो फ्रेंड्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो इग्नू की वेबसाइट है उसके होम पेज पे सर्च बॉक्स में माइग्रेशन लिखना है। आपको एक ये सर्च आएंगे, उसमें से आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आप पहुँच जाएंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट वाले पेज पे, या फिर आप डायरेक्टली डाउनलोड सेक्शन में जा करके भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जो आसान लगे आप वो कर लीजिएगा। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जा करके और सर्च बॉक्स में लिख करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरह से होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब ज़रूरत पड़ती है, एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब आपको किसी दूसरे विश्वविद्यालय में किसी दूसरे प्रोग्राम में दाखिला लेना होता है, तो लास्ट वाले यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने लास्ट प्रोग्राम कम्प्लीट किया है वहाँ से ये सर्टिफिकेट बनवा के नए वाले विश्वविद्यालय को देना होता है। तो ये दो पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। पहले पेज में कुछ डिटेल्स हैं, दूसरे पेज में इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम है, फादर नेम्स है, एड्रेस है, पर्टिकुलर्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन है। तो ये आप इजीली इसको भर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नेम ऑफ द रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर टू विच द कैंडिडेट एटेस्ट, जहाँ पर आपने लास्ट प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया है, रीजनल सेंटर का नाम और उस स्टडी सेंटर का कोड जहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है, और जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, जिस प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, उसका डिटेल यहाँ पर देना होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ फ़ीस के डिटेल आपको भरने हैं, फ़ी के डिटेल्स भरने हैं, कितनी फ़ी का DD बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और ये आपको इंश्योर करना है कि आप किसी और दूसरे प्रोग्राम में, इग्नू में एनरोल्ड नहीं हैं, आपका जो आखिरी प्रोग्राम था वो आपने पूरा कर लिया है, तभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा। तो इसमें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। 500 रुपये का DD बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है, इग्नू के नाम बनता है, और पेबल एट होता है जिस रीजनल सेंटर में आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है, मतलब जहाँ से आपने अपना आखिरी प्रोग्राम कंप्लीट किया है उसी रीजनल सेंटर में ये एप्लीकेशन आप दे पाएंगे। ठीक है, एट द टाइम आप अब जब आप ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हो उस समय दो और डॉक्यूमेंट आपको देना है DD के अलावा। एक तो आपका जो मार्कशीट है, जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, जिसको आप मार्कशीट बोलते हैं, वो मार्कशीट की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। और दूसरा, या तो आपके पास डिग्री हो, अगर डिग्री की कॉपी नहीं है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी लगाना है। दो में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी मार्कशीट तो लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ या तो डिग्री की फोटोकॉपी उपलब्ध हो, अगर डिग्री अभी नहीं आई है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट का जो आपको मार्कशीट के साथ ही मिलता है उसकी कॉपी लगा दीजिए। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको वहीं सबमिट करना है जहाँ पर आप आपने जो अपना प्रोग्राम है लास्ट टाइम कंप्लीट किया है, जहाँ आप आखिरी समय अटैच थे। ठीक है, यानी जिस रीजनल सेंटर से आपने अपना प्रोग्राम पूरा किया है वहीं पे जमा करना है। और मान लीजिए आपने माइग्रेशन बनवाया और कहीं वो मिस हो गया, खो गया, तो उस केस में डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनता है, उसके लिए भी 500 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है, लेकिन उसके साथ एक एफिडेविट देना होता है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। तो उसका प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है,
तो ये उस स्थिति में आपको बनवाना पड़ेगा जब आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया और फिर कहीं आपसे खो गया, तो उस स्थिति में ये सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट देना होता है। तो ये वीडियो था आज का माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, क्या होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये वीडियो मैंने बनाया आपको आपके लिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।